हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुभदीप और ये है मेरा पहला ट्रैवल ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम आपको लेके जाएंगे सिलीगुड़ी के नज़दीकी एक प्यारी सी जगह जिसका नाम है लालीगुरस। तो वहाँ पे जाने के लिए पहले तो हम लोग दार्जिलिंग से मोड़ से होके आ जाएंगे सुखना मोड़। अब सुखना मोड़ में आने के बाद दिखाई देगा रास्ता दोनों तरफ जा रहा है, एक जा रहा है बाई तरफ जो कि जाता है कश्यप मोड़ की दार्जिलिंग की तरफ और एक दाई तरफ सीधा निकल जाता है जहाँ से आप रोंगटोंग तीनदरी और काफ़ी जगह पर जा सकते हैं। तो हम लोग ये रोंगटोंग वाला रूट ही चूज करेंगे कि हम लोग का जो डेस्टिनेशन है वो रोंगटोंग की तरफ ही है और सिलीगुड़ी के आसपास के नज़ारे जितने ब्यूटीफुल है तो उसको तो आप कैप्चर करना कभी भी नहीं छोड़ सकते। गाड़ी के अंदर से और बाहर से हर जगह से आप इसको कैप्चर करना चाहेंगे। और हमारी सबसे बढ़िया हेरिटेज टॉय ट्रेन की लाइन कभी रास्ते की दाएं तरफ कहीं बाएं तरफ आपको दिखाई देने लगेगा और आपका अगर नसीब अच्छा हो तो टॉय ट्रेन भी आपको दिख सकता है। तो चलिए बात करते करते हम आ चुके हैं रोंगटोंग में। अब रोंगटोंग से हम लोग दाएं तरफ ऊपर जाना पड़ेगा जहाँ से रास्ता जाता है सीपखोला की तरफ। जी हाँ, सीपखोला का नाम आप बहुत लोगों ने सुना है क्योंकि जो स्पेशली बर्ड फोटोग्राफी करते हैं उन फोटोग्राफर के लिए ये रास्ता बहुत ही स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई देगा बहुत सारे बर्ड स्पीसीज जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं। अब सीपखोला का जो रास्ता है वो थोड़ा डील डाउन रास्ता है तो गाड़ी थोड़ा ध्यान से चलाना है, मतलब जो पक्के ड्राइवर है उसी के साथ यहाँ पे आ जाइए। सीपखोला में आ चुके हैं और शिव जी का दर्शन ना करें, बाबा का दर्शन ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये रहा लालीगुरस का गाड़ी जो कि भैया हम लोगों को लेने के लिए आ चुके हैं सीपखोला में। तो आप चलते हैं शिव मंदिर की तरफ बाबा का दर्शन करने के लिए। तो अभी सबसे पहले अपने फैमिली के साथ मैं जाऊंगा मंदिर में, बाबा का दर्शन करूंगा, पूजा करूंगा, उसके बाद निकलूंगा आगे ट्रिप पर। शांति मम जन्मनाशेषकशाभूतम नम पद भोले बाबा और दुर्गा मैया दोनों के दर्शन हो चुके हैं, मन बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब बारी है ट्रिप को आगे बढ़ाने का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लालीगुरस को। सीपखोला से रास्ता सीधा जाके एक जगह पर पहले टर्निंग आता है जहाँ से आप राइट टर्न लेंगे तो आप जाएंगे शिटोंग अहलतरा की तरफ और अगर आप लेफ्ट टर्न लेते हैं तो लेफ्ट टर्न से आपको जाना पड़ेगा लालीगुरस की तरफ। ये रहा वो टर्निंग, आप देख चुके हैं। तो मैं लेफ्ट टर्न लेकर गाड़ी हम लोग को लेके जाएगा लालीगुरस की तरफ। वहाँ पर जाते वक्त बीच में पहले एक फैक्ट्री आएगा, टी फैक्ट्री, और साइड में दिखाई देगा बहुत ही बढ़िया सा चाय बागान। रास्ता थोड़ा सा चढ़ाई वाला है पर हाँ, ड्राइवर अच्छा जो है रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ स्पेशली लालीगुरस के जो ऑनर है वो भैया आ गए थे हम लोग को लेने के लिए क्योंकि ये मेरा हम लोग का पहला टाइम था, हम लोग को पता नहीं था कि रास्ता कौन सी तरफ से जाता है, इसलिए भैया आ चुके थे हम लोग को लेने के लिए। तो भैया बहुत ही अच्छे गाड़ी चलाते हैं और यहाँ के नज़राने क्या बोले कि चार तरफ जो टी गार्डन है नॉर्थ बंगाल के टी गार्डन्स तो काफ़ी अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने के लिए, सिर्फ ग्रीनरीज एंड ग्रीनरीज चारों तरफ। ऊपर में टी गार्डन और नीचे भी टी गार्डन, ऐसे ही दोनों चाय बागानों के बीच में से चला गया है जो पहाड़ी रास्ता, वहीं से हम जा रहे हैं लालीगुरस की तरफ। बाहर का जो दृश्य था, जो भी नेचुरल व्यू था वो बहुत ही खूबसूरत था। हाँ, रास्ता थोड़ा टूटा फूटा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आशीष भैया जैसे गाड़ी चला रहे थे वो बहुत ही अच्छे गाड़ी चला रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था हम लोग यहाँ पे आने में। अभी ये जो रास्ता है मैं पूरा आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अगर आप आते हो इस जगह पर घूमने के लिए तो आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये ऐसा कोई स्पॉट नहीं है कि डायरेक्टली कोई बाहर से कोई रास्ता या एंट्रेंस आपको दिखाई देता हो। ये रास्ता जो है मिट्टी के सड़क है, गांव के बीच में से होके लालीगुरस कैंप की तरफ जाता है, बाहर से डायरेक्ट कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। अंदर में जो गांव के घर है घरों के बीच में से ही नॉर्मल रास्ता है, वही रास्ता होके आपको लालीगुरस कैंप की तरफ जाना है। आई होप आप समझ गए होंगे रास्ता कैसा है। बाइक लेके आते कोई दिक्कत नहीं है, आप गाड़ी भी लेके आइए, हाँ थोड़ा ऊँचा वाला गाड़ी लेके आ जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आ गया लालीगुरस कैब हमारे सामने, अभी हम कैब में घुस रहे हैं। बहुत ही खुला हुआ जगह है, बहुत ही बड़ा जगह है, यहाँ पे आप
आराम से रह सकते हैं। ये आ गए हम लोग लारी क्रॉस जगह पे कैंप में। ये दाएं तरफ जो आपको छोटा सा घर दिख रहा है, ये उन लोग का किचन रूम है। यहीं पे भैया लोग खाना पकाते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, इवनिंग में स्नैक्स में आपको पकौड़े मिलेंगे और नाइट में जो डिनर है वो आपको मिल जाएगा। तो गाड़ी पार्क करके पहले हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। यहाँ पे टेबल वगैरह रखा हुआ है, हम लोग के लिए पहले से इंतजाम किया हुआ था कि हम लोग आके बाहर में रेस्ट ले सकते हैं। चलिए, ये रही मेरी भांजी, मैं अपने भांजी के साथ घर देखने के लिए। अभी हम मामा और भांजी मिलकर जाएंगे देखने ऊपर ट्री हाउस। तो ट्री हाउस में जाने के लिए जो रास्ता है वो काफी खूबसूरत है, घुमावदार है, कोई भी आएगा उसको पसंद होगा। मेरी भांजी तो बहुत मजे लेकर चढ़ रही थी उस रास्ते को। हाँ, थोड़ा ऊंचा है पर कोई दिक्कत नहीं है उसको चढ़ने में। अभी दिखाता हूँ कि रूम कैसा है मेरा। ये दो रूम हम लोगों ने लिए थे। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। ये दो रूम हम लोगों ने लिए थे, तो एक रूम में दिखा रहा हूँ, इस रूम में मैं ठहरा था। एक रूम कैसा है, रूम में अंदर आने से ही दिखाई देगा, एकदम रेडी बेड नीचे है, सामने विंडो खुला हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। मेरे भांजे को बहुत पसंद आया। विंडो से जो व्यू था वो काफी बढ़िया था। हम लोग विंडो से बैठ के चाय पीते पीते इवनिंग को एंजॉय कर सकते हैं, एंड मॉर्निंग टाइम पे भी सेम चाय पीते पीते आप सनराइज भी देख सकते हैं यहाँ पे बैठे बैठे। मैं तो शाम को सनसेट का एंजॉय कर रहा था। यहाँ पर रूम में जो है ऊपर में आपको कोई सीलिंग फैन नहीं मिलेगा, टेबल फैन आपको मिल जाएगा रूम में, क्योंकि अगर आप गर्मी है तो टेबल फैन चलेगा रूम में। अभी रूम के बाहर जो है मैं दिखा रहता हूँ, दोनों रूम सेम टाइप के ही है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए दूसरा रूम नहीं दिखा रहा हूँ। अब हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर टॉयलेट का क्या फैसिलिटी है। रूम के बाहर एक बहुत ही बढ़िया टॉयलेट है जो कि वेस्टर्न टॉयलेट है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाहर भी एक बेसिन लगा हुआ है, आप सुबह को मॉर्निंग में हाथ मुँह धोना है वो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ सबको सनराइज भी दिखाई देगा। अभी चलते हैं नीचे, नीचे जाके देखते हैं कि बाकी चीज और क्या क्या है यहाँ देखने के लिए। हाउस के नीचे जो ओपन यार्ड है या उनका ग्राउंड है वो काफी ओपन स्पेस है। दाएं तरफ से जो फॉरेस्ट है वहाँ से भी मतलब बर्ड्स का साउंड सुनाई दे रहा है, ठंडी हवा आ रही है, नदी है सामने, बहुत ही मजा आ रहा था। ये रहा कुछ नाइट्स का व्यू, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि नाइट के यहाँ पे जो व्यू है वो काफी अलग हो जाते हैं, बहुत बढ़िया लगता है नाइट में, लाइट जल जाते हैं। अब साइड में जो है रिवर है और कुछ बैठने का जगह भी है यहाँ पर साइड में, आप चाहे तो वहाँ पे जाकर बैठ के गप शप कर सकते हैं। होम स्टे थोड़ा दूर है, यहाँ पे बहुत सारा बर्ड्स है, बहुत बर्ड्स है यहाँ पे, बटरफ्लाइज है, बहुत आते हैं। मैं तो सुबह को यहाँ पे कैमरा लेके घूम रहा था, मुझे अच्छा खासा बर्ड का फोटो भी मिला जो कि मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। और सबसे बढ़िया लगा मुझे ये जो रास्ता है, ये स्पेशल रास्ता है जो आपको एक छोटी सी पॉन्ड जो कि ह्यूमन मेड है वहाँ पे लेके जाएगा, नदी के भाव को रोक के यहाँ पे छोटा सा एक पॉन्ड टाइप बनाया गया है, यहाँ पे आप नहा सकते हैं। पानी इतना साफ है, आप देख सकते हैं पानी कितना साफ है, मतलब नीचे क्या है वो एकदम सीधा सीधा आपको दिख रहा है यहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, आई होप अभी मैंने जो जगह आपको दिखाया वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये प्लेस का नाम है लाली गुरस, मैंने पहले ही बता दिया था। अभी यहाँ के जो ऑनर है आशीष भैया, उनसे मैं आप लोगों का मुलाकात करवाऊंगा और आशीष भैया अभी अपने प्लेस के बारे में थोड़े बात बताएंगे, ठीक है? थोड़ा बता दीजिए अपने प्लेस के बारे में। सर, मेरा नाम आशीष है, ये मैंने लाली गुरस रिवर साइड कैंप अभी अभी खोला है सर, और यहाँ पे रिवर भी है सर, आप लोग नदी में जाके स्विमिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ पे बर्डिंग के लिए भी अच्छा है, वो बर्ड्स आता है यहाँ पे बहुत सारा। और यहाँ का कितना दिन हुआ ये जस्ट चालू हुआ है, मोटा मोटी वन ईयर की उससे ज्यादा, वन ईयर हो गया सर, वन ईयर हो गया ना। अभी देखिए, जैसे कि हम लोग ने देखा कि आपके यहाँ पे ट्री हाउस है, आपके यहाँ पे कैंपिंग के लिए तो ये भी होगा ना, टेंट भी होगा, टेंट भी है सर, टेंट भी लगा सकते हैं वहाँ पर, ठीक है ना, ग्रुपिंग भी आ सकते हैं वहाँ पर, अभी यहाँ पर भी बना रहा हूँ सर। ओके, चलिए, यहाँ पे टेंट का जगह हो गया और लंच वगैरह के लिए की बहुत खुलम खुला एरिया है, बहुत अच्छी तरह से हो सकते हैं, यहाँ पर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। बाहर मैंने दिखा दिया तो सुबह आपको, वहाँ पे भी आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ के आशीष जी का नंबर मैं डाल दूंगा, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू आशीष भैया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। ये
ये रहे बहुत सारे बर्ड की इमेजेस जो मैंने स्कूल के दौरान क्लिक किया था, और भी बहुत सारे बर्ड थे जो मैंने क्लिक नहीं कर पाया, जैसे वहाँ पे मैगपाई था, मालपुआ था, स्पाइडर आंटा था, और भी बहुत सारे बर्ड थे जिसका फोटो क्लिक नहीं कर पाया। ये देख लीजिए फोटोज, अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो कैमरा रेडी करके लगिएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा।